एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक होते हैं उनके साथ में हम लिखते हैं इन या ऑन, ठीक है, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जनरल होते हैं उनके साथ हम लिखते हैं बाई। तो जब हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाई लिखते हैं तो हम उसके साथ में कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर नहीं लिखते, ठीक है, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बोट, बाई शिप, बाई बाइक, बाई हॉर्स, बाई एम्बुलेंस, सब कुछ ऐसे बाई लिखना है। लेकिन अगर हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कभी स्पेसिफाई करना पड़े या उसको फोकस करना पड़े तो फिर हम बाई नहीं लिखेंगे उसके साथ, ठीक है। जब आप किसी डेफिनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो फिर बाई नहीं लिखना उसके साथ, फिर हमें या तो इन लिखना है, ऑन लिखना है। किन के साथ इन लिखना है, किन के साथ ऑन लिखना है, वो ऊपर से अपना समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा बाई द बस था, तो हमने बाई हाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम कोई स्पेसिफिक बस की बात नहीं कर रहे, तो हमने द हटा दिया। इन लिखा था तो हमने ए लिख दिया, क्योंकि कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर वो बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। एक दो एग्जांपल से बात और समझ लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, द ओल्ड मैन वॉज हिट बाय अ बस, ठीक है, दे अराइव That's the last train, ठीक है, five passengers were traveling that's that cab। अब जैसे हमने ये क्वेश्चंस लिखे, करो इन्हें से, द ओल्ड मैन वॉज हिट बाय अ बस, दे अराइव्ड डैश द लास्ट ट्रेन, फाइव पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग डैश दैट कैब। अब देखो एक चीज समझना, जैसे आप देख रहे होगे यहां पर हमने बस लिखा, बस से पहले बाई लिखा और ए लिख दिया, तो आपको लगेगा गलत है, लेकिन ध्यान देना है गलत नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे बस को ना मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं मान रहे। यहां पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस वर्ड पे ध्यान देना, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात का साधन, कहीं आने जाने के लिए जो मीन्स यूज करते हैं उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बस है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, पैसिव वॉइस का डूअर है, ये वर्ब लिखी ना वॉज हिट पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे बस कोई मीन्स नहीं है जिससे कोई पर्सन कहीं आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। ये जो बस है ये एक डूअर है जिसने किसी पर्सन को हिट कर दिया, अटैक मतलब टक्कर मार दिया, तो ये जो बस है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये बारीकियां होती हैं, कई बार हमें देखनी पड़ती हैं। ये जो हमने चलो इसी से लिख देते, ये जो बस है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे वो कहीं गया, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात का साधन जिससे हम कहीं आते जाते हैं। ये बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इससे वो ओल्ड मैन कहीं आ या जा नहीं रहा था, ये डूअर है। ये पैसिव वॉइस में जो डूअर लिखा जाता है ना बाई के साथ बाद में, ये वो है, टक्कर मार दिया, ठीक है। तो ये ए सही भी है, तो ये समझ लेना, ये बाई द बस अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये बाई द बस अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे बस डूअर है पैसिव वॉइस का, ये बनाओगे ना तो बन जाएगा अ बस हिट द ओल्ड मैन, तो ये ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, दे अराइव डैश द लास्ट ट्रेन, तो द लास्ट ट्रेन एक स्पेसिफिक ट्रेन हो गई। द लास्ट ट्रेन का मतलब कौन से वाली ट्रेन, जो लास्ट में आती है सबसे, वो स्पेसिफिक हो गई। That cab का मतलब कोई पर्टिकुलर कैब, स्पेसिफिक कैब है। तो अगर यहाँ पे मान लो ये दैट द लास्ट नहीं लिखा होता, यहाँ पे दैट नहीं लिखा होता, तो हम बाई लिख देते, दे अराइव्ड बाई ट्रेन, द पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग बाई कैब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दैट कैब लिखा हुआ, तो इसका मतलब स्पेसिफिक कैब है, इन लिखो, द लास्ट ट्रेन लिखा है, स्पेसिफिक ट्रेन है, ऑन लिखो, तो लिखो दे अराइव्ड ऑन द लास्ट ट्रेन, ठीक है। फाइव पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग इन दैट कैब, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखो, मुझे अगर सही से याद आ रहा हो, किसी पेपर में कभी आया क्वेश्चन, कुछ ऐसा है, ही गोज देयर ऑन, नहीं, ही गोज देयर डैश, ये ब्लैंक छोड़ दे, ही गोज देयर डैश। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पहला ऑप्शन बाय हिज बाइसिकल, ठीक है, बी
ऑन बाइसाइकिल, सी बाय द बाइसाइकिल, डी ऑन हिज बाइसाइकिल, बताओ भाई आंसर। He goes there by his bicycle, on bicycle, by the bicycle, on his bicycle. अब देखो अगर आप by लिखोगे तो ये his और ये the आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगर आप on लिखोगे तो आपको bicycle के साथ कोई ना कोई determinant लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखा है, ये भी गलत हो गया। Clear answer, on his bicycle. He goes, अगर केवल by bicycle लिखा होता तो ठीक हो जाता है, he goes there by bicycle, ठीक है, तो या तो लिखो he goes there by bicycle लिखा नहीं है, by जहाँ पे लिखा वहाँ पे bicycle के साथ में determinant लिखे हुए हैं तो वो दोनों ऑप्शन गलत हैं। On लिखोगे तो आपको determinant लिखना पड़ेगा bicycle के साथ में, जो कि नहीं लिखा हुआ बी पार्ट में, तो वो गलत हो गया, डी पार्ट आंसर हो गया, he goes there on his bicycle, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आज देखते हैं।